नमस्कार, आप देख रहे हैं SBN 9 न्यूज़। ऐसे समय में जबकि हर तरफ निजामुद्दीन में आयोजित हुई तबलीगी जमात की आलोचना हो रही है, तो NCP प्रमुख शरद पवार ने यह सवाल पूछा है कि जमात के आयोजन की अनुमति किसने दी। पवार ने फेसबुक पर लाइव बातचीत में कहा कि दो बड़ी सभाएं पहले मुंबई के पास और दूसरी सोलापुर जिले में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन सरकार ने यहाँ तबलीगी जमात के आयोजन की अनुमति देने से इनकार कर दिया था। इतना ही नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता शरद पवार ने तो यहां तक कहा कि मुंबई में जहां सभी आयोजनाओं की अनुमति देने से पहले इनकार कर दिया गया, तो वहीं पुलिस ने सोलापुर आयोजकों के खिलाफ आदेश के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की गई थी। शरद पवार ने सवाल खड़ा करते हुए बोला कि अगर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस तरह का निर्णय ले सकते हैं, तो दिल्ली में इसकी अनुमति क्यों दी गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मीडिया इस मामले को अनावश्यक ही प्रचारित कर रही है, यह देश में एक विशेष समुदाय को चोट पहुंचा रहा है। इससे पहले भी शरद पवार ने कहा था कि दिल्ली की मरकज में जो हुआ उसके बाद सब लोग अपने अपने गांव गए और इससे खतरा बढ़ गया। वो कहते हैं कि तबलीगी जमात के कार्यक्रम को टालना चाहिए था, लेकिन टाला नहीं गया। आपको बताते चलें कि दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज था, जिसमें काफी संख्या में विदेशी थे तो बड़ी तादाद में भारतीय लोग भी शामिल थे। अब पवार के इन सवालों का जवाब किस सरकार के पास है, राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार? धन्यवाद।